इस वीडियो के माध्यम से आप बड़े आसानी के साथ अपने घर पे डिस ब्रेक पैड आप क्लीन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये नट खोलेंगे, ऊपर का और नीचे का, ये दोनों, और एक वायर वाला नट लूज कर लेंगे 5वें मेलंके की सहायता से। दोनों हमारा लूज हो गया। अब ये वायर वाला हम लूज करेंगे। अब इस नट को हम लूज कर देंगे, लूज करके वायर निकालेंगे। वायर को पूरा निकाल लेंगे। वायर पूरा निकालने के बाद हम दोनों नट जो लूज किए थे उसको पूरी तरह से खोल लेंगे। डिस मशीन को हमने खोल लिया है। अब हम आपको डिस पैड क्लीन करके दिखाएंगे बड़े आसानी के साथ। सबसे पहले जहाँ से हम एडजस्ट करते हैं 5वें मेलंके की सहायता से हम उसको खोल लेंगे। अब इसके बाद हम जो इसमें स्प्रिंग आता है उसको निकाल लेंगे। बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। ऐसे हर एक डिस मशीन में अलग प्रकार से फिट होता है, तो आप वो अलग प्रकार से वो खुलता है। हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, फिर इसको नीचे से निकाल लेंगे, बीच में से जो जगह रहता है जहाँ डिस चलता है उसको निकाल लेंगे। देखिए इसमें ऑयल लग गया है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल लग गया है, इस वजह से स्लिप कर रहा था, ब्रेक लग नहीं रही थी। दोनों में वही हाल, गंदा हो गया है डिस पैड। अब इसको हम क्लीन कर लेंगे। एक कार्ड पेपर मतलब कि पॉलिश पेपर, बड़े आसानी के साथ आपको घर पे भी मिल जाएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नज़दीकी हार्डवेयर की दुकान पे से ले सकते हैं इसको। और इसमें हम थोड़ा इसको घिसेंगे, पॉलिश पेपर पे। देखिए थोड़ा सा बाकी है अभी, और घिसेंगे। अब हमारा इसके बाद क्लीन हो गया, ठीक है, पूरी तरह से क्लीन हो गया। अब हम दूसरा ऐसे कर लेंगे। पॉलिश पेपर पे घिसेंगे, अभी क्लीन नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा काला काला सा लगा है अभी इसमें ऑयल। अब घिसेंगे इसको, और ये हमारा पूरी तरह से क्लीन हो गया है। डिस ब्रेक अब हम इसको जैसे खोले थे हम वैसे इसको फिट कर लेंगे। पहले नीचे से फिट करेंगे, ये हमारा हो गया। अब हम ऊपर से इसको डालेंगे तिरछा, जैसे निकाले थे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हम क्लिप डालेंगे जो हमारा स्प्रिंग का काम करता है। इसको हम बराबर कर लेंगे ब्रेक पर, इसको हम दाब के ऐसे डाल देंगे। ये देखिए हमारा इस तरफ दिख रहा है थोड़ा सा, इसका मतलब ये प्रॉपर बैठ गया है। अब इसको हम टाइट कर लेंगे। बड़े आसानी के साथ अब टाइट हो जाएगा। ये हमारा टाइट हो चुका है। अब इसको हम एडजस्ट करके फिट कर सकते हैं साइकिल में। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम साइकिल में फिट करेंगे।
जैसे हम खोले थे वैसे फिट कर लेंगे। इसको हम फिट कर लेंगे, एलंकी की सहायता से हम इसको टाइट कर देंगे। डिस्क ब्रेक कैसे मिलाया जाता है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।